बुलंदशहर से रीशु कुमार, पत्रकार की रिपोर्ट। घर में गड़ी मिली 13 वर्षीय नाबालिग किशोरी। बुलंदशहर, आरोपी के घर में गड़ी मिली 13 वर्षीय अपहृत नाबालिग किशोरी की लाश 25 फरवरी से लापता थी। मृतका संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई थी। मृतका 28 फरवरी को आरोपी के खिलाफ पुलिस ने किया था मामला दर्ज। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी के घर से खोदकर निकाला मृतका का शव। आरोपी का पिता पुलिस की हिरासत में, रेप के बाद हत्या की आशंका। घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर। गांव में अफरा तफरी का माहौल। बुलंदशहर के अनूपशहर थाना क्षेत्र के गांव की घटना। बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह की बाइक, बुलंदशहर डीएम रविंद्र कुमार की बाइक। हम लोग अभी मौके पर हैं, यहाँ आके जो मृतिका है उनके मदर फादर से बात की गई। उनके द्वारा बताया गया कि 28 को बगल में खेत है, वहीं पे वो लोग 28 उसके पहले कुछ दिन पहले बगल में खेत पर काम कर रहे थे। वहाँ से उनकी बच्ची यहीं पानी पीने आई थी शाम के 4 बजे के लगभग। उसके बाद से नहीं मिली। शाम में यहाँ आए तो एक लड़का था जो अल्कोहल पिए हुए था और बच्ची नहीं मिली। उसके बाद से फिर जब गांव वाले आए तो आप लोग देख रहे हैं जिस गड्ढे में, वहाँ कुछ लोगों के सामने उसकी डेड बॉडी मिली। तो लड़का भागा हुआ है, उसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अब चूँकि बच्चे की डेड बॉडी मिली है तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उसकी हत्या की गई होगी और बच्ची थी और यहाँ एक ही लड़का उस समय पाया गया। तो हो सकता है कि लैंगिक प्रहार से संबंधित कुछ चीज़ से हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। तो हमने उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष में रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के अंतर्गत उन्हें आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है और एसएसपी साहब यहाँ हैं। तो पुलिस द्वारा जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी हम लोग बहुत ही तेज़ी से करेंगे। सर, किसी को शासन दिया गया अभी तक? कोई तो उसके पिताजी को लिया गया है और वो लड़का अभी फरार है। उसे हम लोग की कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके हम उसे अरेस्ट करेंगे। ठीक है, क्या मामला है? देखिए, 28 तारीख को एक तहरीर जो है बच्ची के गायब होने के संबंध में उसके परिजनों के द्वारा थाना अनूप शहर को दी गई थी, जिसमें यह था कि घटनास्थल जहाँ पे आज शव बरामद हुआ है यहाँ से लगभग 100 मीटर दूर एक खेत में बच्ची अपनी माँ और 2 बहनों के साथ काम कर रही थी। वहाँ नाश्ता करने के बाद वो पानी पीने के लिए इस घर की तरफ आई क्योंकि और कहीं पानी पीने का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन वापस नहीं गई। फिर थोड़ी देर बाद उसकी बहन ने आकर के यहाँ आवाज़ लगाई जब उसको कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उन्होंने समझा कि शायद घर चली गई होगी और वो लोग घर चले गए। इसके बाद 1-2 दिन तलाशते रहे। शाम के समय यहाँ आकर उन्होंने फिर देखा तो लड़का यहाँ पे एक मौजूद था जो शराब पिए हुए था, लेकिन लड़की नहीं थी। और शक के आधार पर, चूँकि यहीं से लड़की का आना प्रमाणित था और वापस जाने के कोई चिन्ह संकेत नहीं थे, तो पुलिस के साथ आज लोगों ने मिल करके जब तलाश शुरू की तो यहाँ पर एक जगह कुछ ज़मीन ऐसी दिखी जहाँ पर लग रहा था कि शायद गड्ढा खुदा हो। जब उसको खोद के देखा गया तो उसके अंदर से लड़की का शव मिला है। अब इसको तरमीम करके, क्योंकि 363 का अभियोग 28 तारीख पंजीकृत है, तो इसको तरमीम करके वैधानिक कार्रवाई हम लोग करें। सर, पहले को ये भी कहना है कि जिस दिन गायब हुई थी कुछ लोगों ने यहाँ शराब वगैरह पी है, तो ये भी ऐसा ही कुछ सामने आया कुछ मामला? अब वो सारे विवेचना का विषय है। जिसका मकान है, जिस मकान में 2 लोग मूलतः रहते हैं, पिता और पुत्र, पिता हमारे कब्जे में है, पुत्र लापता है। अब हम उसकी तलाश करते हैं, जो भी सच्चाई है वो कार्रवाई पूरी करेंगे।